हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने पुराने क्वेश्चन को फ्लफी कैसे कर सकते, वो भी बहुत इजीली। सबसे पहले हमें क्वेश्चन का वो पार्ट देखना है जहाँ से इसे ज्वाइन किया गया है। यहाँ पे देखिए, ऐसे ज्वाइन पार्ट मिलेगा। आप कोई भी क्वेश्चन देखिएगा, उसमें कुछ ज्वाइन पार्ट मिलेगा, तो सबसे पहले हमें उसे ओपन करना है। तो यहाँ पर मैंने नीडल ओपनर रखा, मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाता है। तो इसे यहाँ की जो सिलाई है उसे हम लोग हटाएंगे। अगर आप चाहे तो सेफ्टी पिन से भी इसके थ्रेड हटा सकते हैं। सेफ्टी पिन से भी काफ़ी ईजिली हट जाता है धागा। तो हमारी सिलाई ओपन हो चुकी है। तो ये देखिए, जिसके अंदर कॉटन है, तो ये देख रहे किस स्टेप से कॉटन पूरा दब चुका है। तो इसे हम लोग अच्छे से निकाल लेते हैं बाहर। तो कॉटन दबने के कारण ही हमारा कुशन जो होता है वो फ्लफी नहीं हो पाता है। तो हमारा कॉटन निकल चुका है, और ये जो हमारा फैब्रिक है, अगर ये गंदा हो चुका है तो इसे अच्छे से वॉश करके आयरन कर लेंगे। लेकिन ये हमारा गंदा नहीं हुआ है, तो इसे मैं अच्छे से आयरन करके ही यूज़ करूँगी। तो इसे साइड में रखते हैं। और जो कॉटन है उसे हमें क्या करना है, इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट हम लेंगे, और पूरा पार्ट नहीं लेना, थोड़ा थोड़ा पार्ट करके लेंगे। और इसे एकदम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टों में इसे डिवाइड करना है। मतलब जितना कॉटन है उसे अच्छे से पूरा छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते जाएंगे। थोड़ा लेंदी प्रोसेस है लेकिन बहुत ही मज़ा आता है। तो आप चाहे तो घर वालों का हेल्प भी ले सकते हैं, वो लोग भी काफ़ी एंजॉय करेंगे इसे करने में। तो जितना हमारा कॉटन है उसे सबको ऐसे ही छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करते जाएंगे। तो ये देखिए, सारे कॉटन हमने छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर लिया, कितना सारा हो गया ना। तो हमारे कुशन में इतना ही कॉटन भरा हुआ रहता है, लेकिन कुशन को डेली यूज़ करने के कारण जो कॉटन होता है वो काफ़ी श्रिंक हो जाता है, इसके कारण हमारा कुशन फ्लैट हो जाता है। तो हमें कॉटन भरना है इस फैब्रिक में। तो हमें स्टार्ट करेंगे कॉर्नर से, हमें कॉर्नर में अच्छे से कॉटन को भरना है। और कॉर्नर को भरते हुए फिर हमें पूरे कुशन को अच्छे से कॉटन से फिल कर देना है। अंदर की तरफ हाथों को दबाते हुए कॉटन को भरेंगे। ये देखिए, सारा कॉटन मैंने इसमें भर दिया है। तो अब हमें स्टिचिंग करना है। स्टिचिंग के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें यहाँ पे पिन से सिक्योर कर लेते हैं, ताकि हमें स्टिचिंग करने में काफ़ी ईजी हो। अगर आपके पास पिन ना हो तो आप घर में जो सेफ्टी पिन यूज़ होता है आप उससे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पिन से सिक्योर कर लिया। अब हमें स्टिचिंग करना है। तो स्टिचिंग के लिए हमें सेम थ्रेड यूज़ कर रहे हैं, और सिंपल राउंड स्टिच करके हमें स्टिच कर लेना है लॉक करते हुए। और पिन हटा लेंगे ताकि हमें स्टिच करने में ईजी हो। बस धागे को घुमाते जाना है और स्टिच करते जाना है। स्टिचिंग हमें अच्छे से करना है ताकि हमारा कॉटन बाहर ना निकले। अगर आप मशीन चलाना चाहें तो आप मशीन पे यहाँ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हैंड से स्टिच काफ़ी ईजिली हो जाता है। तो हमें पूरे में अच्छे से स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने स्टिच कर लिया है अच्छे से, और ये देखिए कितना फ्लफी हो रख गया ना। तो इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे, और ये देखिए हमारा कुशन बिल्कुल रेडी है, एकदम फ्लफी, एकदम न्यू जैसा हो गया ये। तो ये देखिए एकदम फ्लफी हो चुका है, और हमें कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ा, और ये बिल्कुल नया जैसा हो गया। और इससे पहले भी मैंने इसका वीडियो लिया था, ये देखिए कितना फ्लैट है ये। और अब देखिए, थोड़ा सा बस रुई को हल्का सा डिवाइड करने के बाद इसमें डालने में कितना ये अच्छा हो गया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।